तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से चयन तो आज की बात करने बोला यहाँ पे परमानेंट नई भर्ती के बारे में। तो आप सबको बता दूं यहाँ पे एक और जो नई परमानेंट भर्ती है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है पूरे भारत के युवाओं के लिए। ये जो परमानेंट भर्ती है वो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई है। ये जो भर्ती है 4 साल के लिए नहीं रहने वाली, ये परमानेंट आपकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है, जिसके लिए आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे 1 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे और 30 दिसंबर जो आपकी लास्ट डेट है वो यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फी है ऑनलाइन फॉर्म की वो यहाँ पे 250 रुपया रहेगी, लेकिन एनसीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी इसमें जो फी है वो यहाँ पे नहीं रखी गई। वही नीचे की तरफ लेके चलो तो इसमें आपकी जो वैकेंसीज है 327 यानी कि 327 जो आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एएफ कैट के लिए, यहाँ पे फ्लाइंग के लिए, यहाँ पे 28 मेल के लिए, 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल के लिए, टोटल 38 वैकेंसीज है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, ईएफ कैट ग्राउंड के लिए ड्यूटी, नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। अलग अलग जो आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ पे इसमें निकाली गई है। ये जो वैकेंसीज है परमानेंट आपकी रहने वाली है, ये चीज मैं आपको क्लियर यहाँ पे बता दूं, ठीक है, परमानेंट यहाँ पे रहेगी। एनसीसी स्पेशल एंट्री यहाँ पे फ्लाइंग के लिए 10% यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीडी नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट जो आपकी है इसमें यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए अलग 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 जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे इसमें मांगी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एफ कैट इंट्री के लिए, यहाँ पे फ्लाइंग के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, ठीक है। बीए बीटेक कोर्स आपका होना चाहिए, एज 20 ईयर से लेकर 24 के बीच यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए यहाँ पे 10+2 आपकी 12th पास यहाँ पे मांगी गई है, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स मैथ एंड मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये मांगी गई है पीजी डिग्री यहाँ पे मांगी गई है इंजीनियरिंग की, ठीक है, टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे जी आप सभी देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है और एज इसमें 20 ईयर से लेकर 26 ईयर तक यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अकाउंट्स की वैकेंसीज भी आपकी रखी गई है, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है बी कॉम विद एटलीस्ट मिनिमम यहाँ पे 60% आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे होने चाहिए। एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपकी एमए एमसीए एमए यहाँ पे देख सकते हैं एम.एससी, ठीक है, डिग्री विद 50% मार्क्स यहाँ पे 20 ईयर से लेकर 26 ईयर तक जो आपकी एज है वो यहाँ पे रखी गई है। इसमें आपकी हाइट जो है वो भी यहाँ पे मांगी गई है। तो यहाँ पे अलग अलग जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे फ्लाइंग के लिए यानी कि एनसीसी एयर विंग के लिए यहाँ पे सीनियर डिविजन सी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा गया एंड अदर डिटेल्स एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे एज इसमें 20 ईयर से लेकर 24 ईयर तक यहाँ पे रखी गई है और ये जो भर्ती है एयरफोर्स की यहाँ पे परमानेंट भर्ती रहने वाली है। इसमें परमानेंट आपकी जो जॉब है वो यहाँ पे लगेगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल सही जानकारी पाना चाहते हैं नई से नई भर्तियों के बारे में तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद जय भारत।